हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू दिस इज़ मनीषा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग मैं आपको बताने वाली हूँ सबके लिए ये रीडिंग होने वाली है चाहे वो आपके सोलमेट हों या फिर ट्विन फ्लेम है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हजबैंड वाइफ सबके लिए आज की रीडिंग होने वाली है और इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ मैं बताना चाहती हूँ एक दिवाली ऑफ़र मैंने निकाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी एंजल वर्कशॉप में फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे फीस तब थी डबल टू डबल टू अब सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए ही मैं एक बार फिर से अपना पुराना ऑफर लेके आ रही हूँ रुपीज़ इलेवन इलेवन क्योंकि दिवाली है तो कुछ डिस्काउंट ऑफर देना मेरा भी बनता है तो ये डिस्काउंट ऑफर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप इस वक्त एंजल थेरेपी कोर्स के लिए या एंजल हीलिंग कोर्स के लिए इन करवा सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इस वर्कशॉप में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा सारी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है इंटरेस्टेड जो भी स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें आगे की जानकारी मैं आपको दू, दे दूंगी रुपीस इलेवन इलेवन का ऑफ़र ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए है नेक्स्ट टाइम अगर मैं वर्कशॉप लेके आऊँगी अगेन इसकी फीस होगी रुपीज़ डबल टू डबल टू तो अगर आप रुपीज़ इलेवन इलेवन में करना चाहते हैं एक और मौका मैं आपको दे रही हूँ जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि मैम एंजल वर्कशॉप कब लेके आओगे तो मैं कुछ खास मौके का ही इंतज़ार कर रही थी तो मुझे वो मौका मिल गया है और ये वर्कशॉप तीन दिन की रहेगी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट अक्टूबर और टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें अगर ये मौका मिस होता है तो आपको मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप में फिर डबल टू डबल टू फीस देनी पड़ जाएगी ठीक <laughs> है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें जिनको भी एलेवन इलेवन में एंजल कोर्स करना है तो चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर मैं रोमांस एंजल से आज स्टार्ट करूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं 1 second camera yes वाओ सोलमेट सेपरेशन चल रहा है और इश्यूज़ ज्यादातर लोगों का दिख रहा है चिल्ड्रन आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं वो आपसे प्यार करते हैं आप दोनों का रिलेशन एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा है ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं आपको अपना सोलमेट मानते हैं सोलमेट देखे वर्ड ना भी पता हो बट सोलमेट एक पॉजिटिव एनर्जी की ही मैं बात करूंगी कि वो आपको अपना बहुत खास मानते हैं कि कोई रिश्ता है आपके साथ कोई प्यारा रिश्ता है कोई ख़ास रिश्ता है ये आपके पर्सन सोच रहे हैं अभी ठीक है जब भी आप इस रीडिंग के कॉन्टैक्ट में आए क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी जब भी आप कॉन्टेक्ट में आए दिखे सेपरेशन तो दिखे कार्ड आया है तो दिख रहा है कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं बट आपके लिए वो अच्छा सोचते हैं अच्छा कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो आप को प्यार करें आप जो डिजर्व करते हो आपको अपनी लाइफ में वो मिले ये वो पर्सन आपके लिए दुआ करते हैं प्रे करते हैं मन्नतें मांगते हैं कि आप जिंदगी में हमेशा खुश रहें ये इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं और जो भी आप दोनों के बीच में इस वक्त अलगाव चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है तो उसके लिए वो काफ़ी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं बट उनको लग रहा है ये टाइम भी कैसे करके बीत जाएगा निकल जाएगा अभी की ही बात है कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएंगे, आ, आपको भी एक दूसरे के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं चिल्ड्रन और सेपरेशन तो ये मुझे सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है कि आपका सेपरेशन फ़ैमिली की वजह से हुआ है या कोई बच्चे हैं जिनकी वजह से आप दोनों अलग रह रहे हैं ताकि उनकी लाइफ के ऊपर प्रभाव ना पड़े आपके बच्चे उनके बच्चे हैं बट इस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है क्योंकि ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं तो अभी वो थोड़ा सा पेशेंस ही रखना चाहते हैं एक अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं प्यार वो आपसे कर रहे हैं उनको पता है कि अगर कोई इस दुनिया में कोई ऐसा है जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं वो है आप जिनके साथ आप खुश रह सकती हैं वो है वो वो इस तरह से सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में और देखते हैं और क्या निकल के आता है आपके पार्टनर और क्या क्या सोचते हैं ये अभी की करंट फीलिंग ही बता रही हूँ मैं इस वक्त वो वैसा सोच रहे हैं जहाँ पे भी हैं भले ही आपकी बात नहीं हो रही हो उनसे आप एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करें वो ये भी सोचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सेपरेशन फेस करना पड़ेगा क्योंकि अभी चीज़ें आपके उतना फेवर में नहीं है कि आप साथ रह सके फिजिकली एक दूसरे के साथ रह पाएं इस वजह से वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं ऐसी कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपको बहुत खुश रखें ऐसा वो सोच रहे हैं आपके लिए कमिटमेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको बट मजबूर है इमोशनल फ्रीडम यस आपके डिवाइन मस्कुलिन हैं कहीं के में थे यहाँ पे ये यह आपके डिवाइन मस्कुलिन हैं इस वक्त आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं और देखिए कमिटमेंट का तो वो यही सोच रहे हैं कि भले ही आप दोनों अलग रह रहे हो बट आप फिर भी एक साथ हो सोल लेवल पे ऐसा वो फील कर रहे हैं आपको वो अपने साथ ही फ़ील करते हैं कि आप उनके अंदर हो वो इस वक्त ऐसा फ़ील कर रहे हैं आपके लिए कि आप उनसे अलग हो ही नहीं तो इस तरह से वो अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं और खुश रह पाते हैं अभी भी वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं आप भी कभी सैड होते हो कभी दुखी होते हो कभी उनको मिस करते हो तो उनको भी वो चीज़ें फील होती हैं कि आप उनको मिस कर रहे हो जैसे आपको फ़ील होता है कि नहीं वो आपको याद कर रहे हैं या वो सैड हैं या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये सब चीज़ें उनको भी आपके बारे में पता चलती हैं बिना बात किए भी वो आपके बारे में सब जान लेते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं हैं ये चीज़ें उनको आपके बारे में पता चल रही हैं इस वक्त मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों बहुत राइट ट्रैक पर चल रहे हैं आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत राइट ट्रैक पर चल रहा है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आप दोनों के बारे में आ रही हैं आप दोनों एक दूसरे का अच्छा सोचते हो और सही वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर भी सही वो ऐसा नहीं कह रहा है कि ब्रेकअप हो गया या परमानेंट है परमानेंट उन्होंने कुछ नहीं सोचा वक्त के ऊपर छोड़ दिया है डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दिया है तो वो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही हैं मुझे एट प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप में ठीक है और आपका भी देखिए मैं ये कहती हूँ कि बीच बीच में आप परेशान तो हो जाते हैं ये है कुछ लोगों के लिए ये है देखिए नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इस वक्त बात नहीं कर रहे उस चीज़ को लेके आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप परेशान हो रहे हैं दैट मीन्स आपको एनर्जी बैलेंस करनी है आपको ऐसी एनर्जी में रहना है ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है ये मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आपको बीच बीच में आप जो नेगेटिव हो जाते हो इंसुलेशन के लिए होपलेस हो जाते हो कि कुछ होना ही नहीं है अगर ऐसी एनर्जी आपके अंदर आज भी है मुझे वो कम दिखाई दे रही है बट है तो उसके ऊपर आप काम करो आपको कुछ कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है मैं गाइड के मैसेज लेना चाहती हूँ आपके लिए आपके इष्ट आपके भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मैंने भी बोला ना अभी भी कि आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देना है कि वो बात क्यों नहीं करता है वो तो गुस्सा है या मुझसे बात नहीं कर रहा वो मुझे मिस तो नहीं कर रहा या मिस क्यों नहीं कर रहा या वो मिस करता ही नहीं है उसको मेरी पढ़ी ही नहीं है ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है वो आप के बारे में भी सोचते हैं आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं आपको भी इस लेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव इंफॉर्मेशन ना दें आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं इस चीज़ के ऊपर आप जितनी जल्दी भरोसा कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप टेल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे और इस रिलेशन की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन अगेन आपको अभी अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना है अपने एक्शंस की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ कि हमारा पाथ ही है हम स्पिरिचुअल हैं एक इंट्यूशन है या एंजल्स हैं हम दोनों किस लिए आए हैं अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश आज भी कर रहे हैं आप उनको उनका टाइम नहीं दे रहे हैं तो ये गलत बात हो जाएगी फिर वो आपके जो मस्कुलिन हैं वो डिस्टोट इसीलिए आपको लगते हैं क्योंकि वो आपका कहना नहीं मानते कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो आपका कहना माने वो समझे आपकी बात को तो इस तरह की अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो आपको वो नहीं करना है आप वक्त पे छोड़ो जिस तरह से आपको अपने आप समझ है उस तरह से उनको अपने तरीके से समझ आएगी उतना वक्त आपको उनको देना होगा आपको अपने मस्कुलिन को एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है दूसरों को ब्लेम अभी नहीं देना है किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उनको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में वहाँ से कुछ सीखें ठीक है और दूसरों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करो ताकि लोग आपकी तरफ देख के उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि हमको भी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है आप अलोन नहीं हैं आपके गाइड बोल रहे हैं आप अपने इस जीवन में अकेले नहीं समझे अपने आप को वो आपके साथ हैं ये वो मैसेज आपके गाइड की तरफ से आ रहा है एक और मैसेज मैं आपके गाइड की तरफ से लेना चाहती हूँ अपने सच को जानने की कोशिश करें मेज़ अपनी गलतियों के ऊपर भी आपको देखना है आप कहाँ सही है कहाँ गलत है पहले हमको अपने ऊपर काम करना है हमको किसी को बोलना ही नहीं अगर कोई गलत भी है इस वक्त हमको उनको कुछ भी गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है अपने एक्शन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की ज़रूरत है और दूसरों को उनका उतना टाइम देना है जितना कि वो चाहते हैं कहींयों को चीज़ें धीरे समझ में आती हैं कहींयों को चीज़ें लेट समझ में आती हैं लेकिन अगर किसी को लेट समझ में आ रहा है तब भी हमको उनको उनका टाइम देना होगा और उनको सपोर्ट आप इस तरह से करें ठीक है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके जो मस्कुलीन है उनकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी और देखिए वो आपको अपनी जिंदगी की रोशनी मानते हैं आप उनके लिए हो सब कुछ वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं भले ही वो इस वक्त आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं ये थ्री डी लेवल थ्री डी से आपको देखते हैं उन सब चीज़ों को क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वैसी हुई है वो ऐसे माहौल में रह रहे होंगे तो उनका भी अपना एक सोचने का पैटर्न है नज़रिया है तो आप अभी उनको उनके नज़रिए को ही एक्सेप्ट करो देखो कि आपसे उनका नजरिया एक्सेप्ट होता है क्योंकि हमारे लिए भी मुश्किल होगा उनके नज़रिए को एक्सेप्ट करना ऐसे ही अगर हम कुछ अच्छा भी बोले तो हम उनके लिए मुश्किल होगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना तो पॉजिटिव रहें अपने पार्टनर के लिए और देखिए वो काफ़ी अच्छा सोचते हैं आज भी रोमांटिक फीलिंग मुझे नज़र आ रही है आपका उनके सर पे हाथ फिराना उनके बालों को सहलाना उनको ये सब चीज़ें आपके बारे में बहुत अच्छी लगती हैं ये कार्ड आ रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ वो ये कह रहे हैं कि आप उनकी बातें सुन सकते हो वो खुल के आपके साथ बात कर सकें ऐसा आपको भी बनना है ओपनली वो बात कर सकें चाहे अच्छी हो चाहे गलत हो वो हर तरह का डिस्कशन आपके साथ करना चाहते हैं और उनको लगता भी है कि वो आप ही के साथ कुछ ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं खुल के जो दूसरों के साथ नहीं कर सकते हैं उनको ये लगता है कि आप उनको सुनती हैं आप उनको सुनते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए है और वो आपको मिस करते हैं ये वो मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं कि भले ही आप बात नहीं करते गुस्सा हो जाते हैं लड़ाई झगड़ा करके फ़ोन रख देते हैं उसके बावजूद भी वो आपको मिस कर रहे होते हैं ये मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है और उनको ये भी पता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझती हैं उनको भी पता है कि नहीं वो कहाँ गलत है कहाँ सही है क्यों बहस हो जाती है लेकिन वो उन सब चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के रखने रखना नहीं चाहते हैं वो दिल से मानते हैं कि आप उनको उनसे भी बेहतर तरीके से जानते हो ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है भले ही वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं और आपसे ही उन्होंने प्यार करना सीखा है प्यार का मतलब क्या है ये उन्होंने आपसे सीखा है ये वो मैसेजेस दे रहे हैं आपको कि आपसे ही आपसे ही मिलके उन्होंने जाना है कि एक्चुअल में प्यार होता क्या है ये वो मैसेज आपकी तरफ आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं मैं और मैसेजेस लेना चाहती हूँ आपके पर्सन के लिए आप उनको ट्विन फ्लेम या बोलते भी होंगे ना सोलमेट भले देखो ये जो शब्द होते हैं ना ये कहने की बातें होती हैं इजी हो जाता है हम समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग टैरो रीडिंग इतने टाइम से देख रहे हो आप कोई टैरो रीडिंग नहीं देख रहा होगा उनको जाके आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कार्मिक बोलेंगे तो उसको कैसे समझ में आएगा तो आपको जस्ट लव की बात करनी है उनको रिलेशनशिप के बारे में मत समझाएँ ठीक है फ्लो के साथ चलो ओपन प्यार की बात करो ना क्या फ़र्क पड़ता है ट्रेन फ्लेम है या सोलमेट है तो इस तरह से आपको उनको डील करना पड़ेगा और उनको इस वक्त मन हो रहा है आपको हक करने का आपको किस करने का आपसे बातें करने का और ऐसा चाहते हैं कि इस वक्त अच्छा टाइम क्योंकि शायद आपके बीच अभी थोड़े से आर्गमेंट हुए हैं रिसेंटली तो अब वो आर्गूमेंट ख़त्म करना चाहते हैं एक रोमांटिक टॉक आपके साथ चाहते हैं उनका ये मन है आपके साथ करने का पुरानी बातें अगर आर्गूमेंट हुए हैं उसका डिस्कशन अब मत करें जब वो आपको कॉल या फोन मैसेज करते हैं तो ठीक है और वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हो जाते हैं जैसे आप हो जाते हैं ना कि उनका फ़ोन नहीं आया गुस्सा होकर फ़ोन रख दिया आपको भी होता है सैड हो जाते हो वैसे उनको भी फील होता है आप ये मत सोचिए कि सिर्फ़ आपको ही फ़ील होता है आपके पर्सन को भी वही सब चीज़ें सेम फील होती हैं और आपसे बात करके क्या होता है उनको जो दुख तकलीफ़ हो रही होती है ना आप जैसे बात नहीं करते रूठ जाते हो ना तो उनको बहुत पेन होता है और जब आप उनसे प्यार से बात करते हो तो उनका वो पेन ईजिली झटके से गायब हो जाता है तो ये वो मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं आपको होप गाइज़ आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक like भी किया करें गाइज आप लाइक like नहीं करते हो मेरी वीडियो लाइक like करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे तब तक, तक के लिए बाय बाय टेक केयर